I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame, a past we simply left fade. But I don't close the door, waiting the chance for when we'll be back again. You make me feel so crazy, still in. Hey everyone, welcome back to my channel. So, main aaj last 4 days के बाद आज वीडियो शुरू कर रही हूँ क्योंकि सुमन का तबीयत ठीक नहीं था 4 दिनों से, तो अभी उसी के साथ आई हूँ डॉक्टर दिखाने के लिए. डॉक्टर तो हम लोग पहले ही दिखा दिया था, पर अभी भी बुखार तो कम है पर उसका सिर दर्द हो रहा है 4 दिनों से. तो कुछ टेस्ट वगैरह लिख दिया है डॉक्टर ने, तो वही हम लोग टेस्ट वगैरह करने जा रहे हैं अभी. तो ब्लॉग करना तो दूर की बात, मैंने ब्लॉग करने के बारे में कुछ सोचा भी नहीं क्योंकि होता है ना, मूड नहीं होता है इसके कारण. तो अभी हम लोग उधर ही जा रहे हैं, तो चलिए अभी मैं आप लोगों से बात में बताती हूँ. तो सुमन को जो टेस्ट दिया है वो होते होते टाइम लगेगा 5:30, तो अभी बज रहा है 3:30, तो इतना देर तक हम लोग क्या करेंगे वही सोच रहे. तो अभी हॉस्पिटल का जो कैंटीन है हम लोग उधर आए हैं, तो थोड़ा सा कॉफ़ी पियेंगे. और ये कैंटीन बहुत ही सुंदर है. अभी हम लोग कैंटीन से निकले हैं कॉफ़ी पीकर, और टाइम है 5:30 टेस्ट का, और अभी बज रहा है 4:45 या फिर 4:45 ऐसा हो रहा है. तो 1.5 घंटा क्या करें, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा वॉक कर ले, तो अभी वो वॉक करने निकले हैं. तो सुमन का जो टेस्ट था वो हो गया है फाइनली. कहीं अभी बज रहा है 6, हम लोग 3 बजे आए थे और अभी 6 बज गया है, इतना टाइम लग गया. और अभी आए हैं कुछ स्नैक्स खाने के लिए, तो जिस होटल में आए हैं होटल ही है ना, तो उधर का व्यू थोड़ा सा अलग है, मैं आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ. हम लोग कुछ खरीदने आए थे तो दुकान में हम लोगों को मिल गया है दीदी मेघा. मेघा हाय कर दो. ये सब शॉपिंग करने आए हैं. तो आज पूरा दिन हम लोगों का बाहर ही निकल गया. अभी बज रहा है 8, आप लोगों को पता है अभी 8 बज रहा है और सुमन इधर ले रहा है चावल. फाइनली अभी घर आ चुकी हूँ मैं, और अभी टाइम हो रहा है 9:45. ओ माई गॉड, 3 बजे हम लोग निकले थे और बहुत थोड़ा सा ठंडा लग रहा है मुझे. और मुझे चीज दिखाना था आप लोगों को, मेरा एक जो पार्सल आया है तो मैंने सुबह ही खोल के देख लिया था, तो मैं आप लोगों को सोच रही दिखाऊंगी. तो ये एक कंटेनर है, मुझे ना कंटेनर बहुत पसंद है, किचन का जो भी आइटम होता है ना रखने का, तो वो मुझे बहुत पसंद है. तो मैं एक एक करके सब लूँगी और मैं सब अमेजोन में विश लिस्ट में करके रखी हूँ, क्योंकि इसका दाम थोड़ा सा, जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं एक साथ नहीं लूँगी, हर महीने एक एक करके लूँगी. तो ये एक आया है मेरा कंटेनर, इसमें बी हैप्पी लिखा हुआ है और येलो कलर में, जो मेरा फेवरेट कलर है. तो इसका जो लीड है, मैं आप लोगों को पहले ये दिखा दूँ, ये बहुत ही अच्छा वाला लीड है, वुडन का है. तो इस तरह से, और ये 500 या 500 ml का है,
मतलब कुछ भी आप रख सकते इसमें। तो इस तरह से बहुत सारा जो चीजें है ना किचन का, तो वो मैं एक एक करके सब खरीदूंगी और बाद में मैं सब सजाऊंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है, मतलब इसका जो प्राइस है उसका प्राइस है 600। तो मुझे तो थोड़ा सा ज्यादा लगा ये 600, आप लोगों को भी लगेगा, पर क्या करूं, मुझे बहुत पसंद है और जो चीज मुझे पसंद है वो तो मैं लूंगी ही। और मार्केट से जो हम लोगों ने खरीदा है, सुमन ने मुझे खरीद के दिया है ये वाला एक ट्रैक पैंट। तो और एक मेरे मेरे पास है पर वो थोड़ा सा मोटा है, और ये मुझे जो मिला है ये थोड़ा सा पतला है, इस तरह से घर में पहनने के लिए डेली वेयर के लिए। एक ग्रीन कलर में है ये, बस कलर पसंद है तो मैंने ये एक ले लिया है, और बाबा के लिए लिया है एक इस तरह से ब्लैक कलर में। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगी। ये वीडियो भी छोटा सा होगा मुझे पता है, पर आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट।